दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक घूमने की खूबसूरत जगह मौजूद है, लेकिन इन खूबसूरत जगह में से कुछ ऐसी जगह है जो बेहद ही खतरनाक है। इसलिए आप यहाँ पर जाने का सोचने के बजाय यहाँ गए हुए लोगों को देखकर ही डर के मारे कांपने लग जाएंगे। आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं, और ये जगहें ऐसी है जहाँ पर जाने वाले बहुत ही कम लोग वापस आ पाते हैं। इसी वजह से आज हम आपको इन खतरनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें पहला नाम है स्नेक आइलैंड। अब जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ब्राजील का ये आइलैंड कई किलोमीटर एरिया में फैला हुआ जहरीले सांपों का घर कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई छोटा सा सांप भी अगर किसी के आसपास उसे नजर आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन ब्राजील के तट से कुछ ही दूर पर आपको हर जगह सांप ही सांप मिलेंगे। यहाँ तक कि पेड़ों पर भी ये झुंड के झुंड लटके रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लेंस हेड हम भी रहता है। यहाँ पर पाए जाने वाले सांप इतने ज्यादा जहरीले हैं कि इनका जहर अंदर जाते ही इंसान की रूह बाहर आ जाती है। यहाँ प्रति वर्ग मीटर पर 6 सांप मौजूद है। यहाँ खतरनाक सांपों की आबादी इतनी है कि इंसानों का जाना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो पक्षी भी आने से डरते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले सांपों का जहर दूसरे इलाकों में पाए जाने वाले सांपों से 5 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ जाने वाला इंसान बचकर वापिस आए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेडर ऑफ हेवन। दोस्तों, वैसे तो आपने जिंदगी में बहुत सारी खतरनाक जगह को देखा होगा, लेकिन आपने इस जैसी खतरनाक और मौत के मुंह में धकेल देने वाली जगह को पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जगह कोसाल में मौजूद स्विट्जरलैंड का हिस्सा है। असल में ये एक लोहे से बनी हुई सीधी सीढ़ी है, जिस पर पहुंचकर आप 2300 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये सीढ़ी एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक जाती है, और ये सीढ़ी 150 किलोमीटर तक लंबी है। और ये सीढ़ी इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस सीढ़ी को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर बनाया गया है। जैसे जैसे इन सीढ़ियों पर आप चढ़ते जाते हैं, इसकी ऊंचाई और भी बढ़ती जाती है, और जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपको नीचे सिर्फ नीला पानी ही नजर आता है। लेकिन यहाँ से आपको कुदरत के बहुत ही औसम नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस जगह पर बहुत ही मजबूत दिल वाले लोग ही जाते हैं। माउंट होशन। दोस्तों, आजकल तो बड़े शहरों में मशीनों की मदद से ऊंची ऊंची इमारतें बना ली जाती है, लेकिन पहले का समय कुछ ऐसा था जहां लोग हाथों से ही वो काम कर लेते थे, जिसे मशीन से कर पाना भी बहुत मुश्किल होता था। और ये जो ब्लैक वॉक आप देख रहे हैं, ये चीन की होशन माउंटेन पर बना हुआ है। इसे दुनिया में इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले अब तक के सबसे खतरनाक रास्तों में से भी एक माना जाता है। इस रास्ते को चीन के एक मास्टर मॉन्क ने 700 साल पहले बनाया था। ये ब्लैक वॉक पहाड़ के किनारे के साथ साथ बनी हुई है, और इस रास्ते को चाइनीज मास्टर मॉन्क द्वारा अपने हाथों से बनाया गया था। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि उस मॉन्क ने ये रास्ता आखिर बनाया कैसे होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रास्ता 450 फीट लंबा है, और इस रास्ते पर सेफ्टी के लिए सिर्फ एक चैन लगी हुई है, जिसे पकड़कर पहाड़ के ऊपर तक चढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 7000 फीट लंबी खाई है। इस पर जब भी कोई चलता है तो ऐसा लगता है कि वो इस खाई में गिर जाएगा। वाकई में ही ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। बुद्धास हैंड चाइना। इस जगह को बुद्ध हैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह नॉर्थ चाइना में मौजूद है, और इस हाथ को उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग एडवेंचर के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इस हाथ के ऊपर तक पहुंचने के लिए लोगों को अपनी सांस से थाम कर चढ़ना पड़ता है। इसीलिए ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगने लगता है। हाथ जैसे स्ट्रक्चर को जमीन से काफी ऊपर की ओर बनाया गया है, लेकिन इसके शिखर पर खड़े होकर आपको कुदरत के सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते रहते हैं। वैसे तो इस हाथ के आसपास कोई भी सेफ्टी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नीचे एक नेट लगाया गया है ताकि यहाँ से गिरकर मरने वाले लोगों की गिनती में कटौती की जा सके। और इस हाथ पर केवल वही चढ़ सकता है जिसे ऊंचाई से डर नहीं लगता है। डेविल्स पूल। दोस्तों, इसके नाम से इस जगह के खतरनाक होने का पता लग जाता है। शबाना और जावी जैसे देशों के बीच में एक झरना मौजूद है। इस झरने को डेविल पूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये झरना दुनिया में मौजूद सभी झरनों से अलग है। और वो इसलिए क्योंकि इस झरने से गिरने वाले पानी के पॉइंट पर चट्टान थोड़ा ऊपर की ओर उठी हुई है, और इस उठी हुई चट्टान के ऊपर लेटकर आप नीचे गिरते हुए झरने के पानी को देख सकते हैं, क्योंकि ये चट्टान लोगों को नीचे गिरने से बचाती है। और इसी चट्टान का फायदा उठाते हुए लोगों ने यहाँ स्विमिंग करना भी शुरू कर दिया है। ये खतरनाक झरना अफ्रीका में मौजूद है।
इसके खतरनाक होने के चलते इस पर स्विमिंग करने से मना किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक फुट में 500 मिलीमीटर पानी वाटरफॉल के जरिए नीचे गिरता है और अगर इस पानी में कोई गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इसी वजह से इस पूल पर स्विमिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए बहुत से लोग तो इसे देखकर ही वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन दुनिया की खतरनाक जगहों के बारे में जानकर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।